के एपिसोड में राखी लेकर आई हैं दो अजब कहानियाँ। पहली कहानी में है एक पति महाशय जो है अपनी बीवी की बढ़ती मांगों से परेशान। कहती हैं मुझे 50,000 रुपए का नेकलेस चाहिए। क्यों? नेकलेस बन के रानी रूपमती बन के घर में बैठना है। ऐसा तो मैंने नहीं किया कभी भी। आज भी आते हैं, मक्खन पॉलिश लगा के बंदा हमको यूज भी करता है। और दूसरी कहानी में है एक पत्नी जो अपने पति की अजीबोगरीब हरकतों से है परेशान। बाबा जी आप ऐसे क्यों कारनामे करते हैं? तो आइए देखें क्या अजब हुआ गजब हुआ राखी के साथ। स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है गजब देश की अजब कहानियाँ। शादी के शुरू शुरू के साल बड़े सुहाने होते हैं क्योंकि इन सालों में पति बोलता है और पत्नी सुनती है, उसके बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है, लेकिन कुछ सालों बाद ये दोनों ही बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। भाई हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स के बारे में भी है जहां पत्नी पति से कुछ ऐसी डिमांड कर बैठी है के बेचारे पति उसकी आवाज ही बंद हो गई है। तो भाई आइए देखते हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं पेंट और पॉलिश का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। पिछले एक साल से मैं अपने इस काम को मुंबई में सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मिसेस का नाम प्रमिला राज है। छोटी छोटी सी डिमांड उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दिया। आज की डेट में जो डिमांड उनकी है वो डिमांड मेरी इनकम से बाहर है। वही डिमांड हमारी और उनकी दूरी का कारण बना हुआ है। जितना एफोर्ड कर सकता था उसके लिए मैंने उतना किया। चादर जितनी बड़ी हो उतना ही पैर पसारो। उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उसको मैं कहाँ से पूरा करूँ? स्वागत है आपका डार्लिंग। आइए 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 आइए, क्या बात है राजेंद्र जी? जी बोलिए। आप करते क्या हैं? मेरा पेंट पॉलिश का काम है। कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ मैं। ये पेंट का काम? नहीं, ये वाली पेंट नहीं जी, ये दीवार पे जो होता है। ओह, तो आप खूबसूरती देते हैं जी। अगर आप जैसा कि सिंपल एक लेडीज हो उसको मेकअप कर दिया जाता तो खूबसूरत हो जाती है, उसी तरीके से जैसे कि मैं। जी 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 बिल्कुल, यू आर राइट। राजेंद्र जी। जी बोलिए। वैसे आप है कहाँ से? मैं यूपी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
अभी यूपी तो... आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यस। ये तेल पॉलिश का काम आप यूपी में ही करते हैं या कभी कभी मुंबई में आते हैं या दिल्ली में भी जाते हैं? मैं दिल्ली में प्रॉपर रहता था जी, ठीक है, वहाँ मेरा संयुक्त परिवार था, तो जो कि अभी संयुक्त नहीं है इस समय। एक साथ में नहीं है, हम साथ साथ नहीं है। या ओके। तो दिल्ली से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, बॉम्बे में आए, मुझे भी एक साल हुआ है, और एक साल से आने के बाद मैं यहाँ पे अपने कारोबार को बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगा हूँ। काफी अच्छा रोकड़ा कमा लेते हैं आप? रोकड़ा तो आ ही जाता है। तो भैया, भैया नहीं, सैया भी नहीं, मिस्टर राजेंद्र और बताइए, दिक्कत क्या है आपके बीवी के बारे में कुछ बताइए। मेरी दिक्कत जो है शुरू से है, शुरुआत से, मतलब कि जैसे सम्मिलित परिवार में जब रहने लगे तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा भाई भाभी और मेरी भाभी के बच्चे भी, तो इस तरीके से ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे, तो मेरी मिसेज मुझसे इस बात को कहने लगी कि आपकी मम्मी ने मुझे इस प्रकार से डांटा, आपकी भाभी ने आपकी मम्मी से इस प्रकार से चुगली करी मेरी, इस प्रकार की बातें कहने लगी मुझे। तो आपकी भाभी आपकी बीवी की चुगली करती थी? मम्मी से और हमारे पिताजी से। तो आपकी बीवी आके आपकी भाभी की शिकायत करती थी? है मुझे 50,000 रुपए का नेकलेस चाहिए। 50,000 रुपए का नेकलेस चाहिए? क्यों, नेकलेस पहन के रानी रूपमती बहन के घर में बैठना है क्या? हो सकता है। तो क्या आपने आपकी बीवी को 50,000 का नेकलेस खरीद के दिया? थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन दिया। खुश हुई? बिल्कुल। उस दिन नाची बहुत? नाचने का मतलब वो नाचेंगे क्यों? खुशी में तो कोई भी नाचेगा, आपके सामने नहीं नाचा होगा, दरवाजा बंद करके अकेले नाची होगी, मेरा 50,000 का हार। क्या उसके बाद आपको शांति देवी मिली? कुछ मिली कुछ दिन तक, लेकिन फिर अशांति आ गई। तो आप 50,000 डकार गई, तो अब क्या हुआ, अब कौन सी अशांति आई वापस? अब अगली डिमांड क्या है उनकी? अगली डिमांड में वो कहते हैं कि मेरे को 50,00,000 का फ्लैट अब डिमांड है एट ए टाइम। ये 50 के आंकड़े पे उन्होंने स्टैंप क्यों लगाया हुआ है? पचास हजार के बाद 50,00,000, अब 50,00,000 के बाद 50 करोड़ पे जाएगी। फ्लैट की डिमांड करके उन्होंने आपको रिमांड पे ले लिया। रिमांड के अलग अलग भी हो गया? आप दोनों अलग अलग हो चुके हैं? साथ में रह रहे हैं। ये कब हुआ? लगभग 4 साल। 4 साल से आप सूखे हैं?